बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और मैं हूं मुकद्दस नूर। सबसे पहले हेडलाइंस। खातून जज को धमकाने पर तौहीन अदालत केस, इमरान खान पर फर्द जुर्म आज आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज दिन ढाई बजे समाअत करेगा। अदालत ने गुज़श्ता समाअत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तहरीरी जवाब मुस्तरद किया था। आज कमरा अदालत नंबर एक में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगी। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला, 15 ला अफसर, 3 अदालती मुआवनीन और 15 कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालत में आने की इजाज़त होगी। चेयरमैन पीटीआई और वजीर आला के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में आज समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और महमूद खान के खिलाफ जाब्ता अखलाकी की खिलाफ वर्जी का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मेंबर सिंध के सरबराही में इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर नोटिस लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। ब्लिंकन ने कहा, अमरीका सैलाब से पैदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म की MDIMF सदर वर्ल्ड बैंक और जान कैरी से मुलाकातें। सदर वर्ल्ड बैंक ने 85 करोड़ डॉलर की रकम देने के आज़म का इजहार किया। शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर अर्सलवान डियर से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान का सैलाब से मुश्किलात का सामना, इमदाद की अशद जरूरत है। पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा सैलाब के बायस डूबा हुआ है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का जनरल असम्बली से खिताब। मजीद बोले, रूस हमले की वजह से दुनिया में खुराक बहरान ने जन्म लिया। अमरीका इत्तेहादियों की मदद से रूस को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन टीवी। वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।